नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल 999 सोनग्रा में। आया था वो मंदिर तोड़ने, लेकिन माता ने दिखाया चमत्कार। जानेंगे आज के वीडियो में कि माता ने आखिर क्या दिखाया था चमत्कार। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से सीकर के करीब 30 किलोमीटर दूर माता का एक चमत्कारी स्थान है। कहते हैं ये माता देवी रूप में प्रकट नहीं हुई, बल्कि मनुष्य से देवी रूप में परिवर्तित हुई थी। इनकी चमत्कारी शक्ति ऐसी है कि इन्हें शक्तिपीठ की तरह पूजनीय माना जाता है। सामान्य नारी से देवी रूप में प्रकट हुई थी माता। लोक मान्यता के अनुसार चौहान वंश के राजपूत परिवार में जीण माता का जन्म हुआ था। इनके बड़े भाई का नाम हर्ष था। भाई बहन दोनों एक दूसरे से खूब स्नेह बात करते है, थे। जिन माता अपनी भाभी के साथ सरोवर से जल लेने गई, वहीं भाभी के और ननद में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि हर्ष किसे अधिक स्नेह करता है। यह तय हुआ कि हर्ष पानी का मटका जिसके सिर से पहले उतारेगा, वही हर्ष का अधिक प्रिय होगा। दोनों जब घर पहुंचे तो शर्त से अनजान हर्ष ने पहले अपनी पत्नी के सिर से मटका उतारा। इससे जिन नाराज हो गई और उसे लगा कि भाई उससे कम स्नेह करता है। इससे उसका मोह खत्म हो गया और अरावली के काजल शिखर पर पहुँच कर तपस्या करने लगी। तप के प्रभाव से शुरू में देवी का वास हो गया। दूसरी ओर जब शुरू के भाई हर्ष को शर्त की बात पता चली तो वह बहन को मनाने काजल शिखर पर पहुंचा, लेकिन बहन ने घर लौटने से मना कर दिया। इससे हर्ष भी वहीं पहाड़ी पर तप भैरव की तपस्या करने लगा और उससे भैरव पद प्राप्त कर लिया। देवी ने दिखाया था चमत्कार। लोक कथा के अनुसार मुगल बादशाह औरंगजेब ने जीण माता और भैरव के मंदिर को तोड़ने के लिए सैनिकों को भेजा। बादशाह के इस व्यवहार से दुखी लोग जीण माता की प्रार्थना करने लगे। माता ने चमत्कार दिखाया। मधुमक्खियों के झुंड ने मुगल सेना पर धावा बोल दिया। मुगल सेना जान बचाकर भागी। औरंगजेब भी गंभीर रूप से बीमार हो गया। कोई उपाय न होने की वजह से औरंगजेब माता के मंदिर में आया और माफी मांगी। औरंगजेब ने माता को वचन दिया कि वह हर महीने 125 अखंड तेल दीप के लिए भेंट करेगा। इसके बाद उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और कमेंट में जय जीण माता।